सभी का स्वागत है इस YouTube चैनल पर। आज हम करने वाले हैं टीएस गिरवाल की फर्स्ट बुक का फर्स्ट चैप्टर अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म फंडामेंटल्स। मेरे पास जो एडिशन अवेलेबल है वो 23, तो उसके अकॉर्डिंग जो आज एक्सरसाइज का हम क्वेश्चन करेंगे वो होगा क्वेश्चन नंबर 27। फटाफट से क्वेश्चन को रीड करते हैं, समझते हैं कि इसे कैसे करना है। क्वेश्चन में हमारे पास बताया गया कि ऑन 1 अप्रैल 2013 जय एंड विजय एंटर्ड इनटू द पार्टनरशिप। भाई जय और विजय ने क्या करा, डिसाइड कर लिया कि अब वो क्या करेंगे, पार्टनरशिप में एक बिजनेस चलाएंगे, लेकिन किस चीज का बिजनेस चलाएंगे वो भी पढ़ते हैं। तो कहते हैं आगे कि भाई इन्होंने क्या करा है, सप्लाई लेबोरेटरी इक्विपमेंट्स टू गवर्नमेंट स्कूल सिचुएटेड इन द रिमोट एंड द बैकवर्ड एरिया। तो इन्होंने डिसाइड करा कि जो पार्टनरशिप में बिजनेस चलाएंगे उसमें लेबोरेटरी के इक्विपमेंट सप्लाई करेंगे जो भी रिमोट एरियाज में या बैकवर्ड रीजन में क्या है, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वहां पर, ठीक है। लेकिन इसके लिए इन्हें कुछ जरूरत होगी पैसों की, तो इन्होंने कुछ पैसा भी क्या करा, निवेश करा, यानी इन्वेस्ट करा है ना। कितना कितना पैसा इन्वेस्ट करा वो भी देख लेते हैं। तो कैपिटल जो इन्होंने कंट्रीब्यूट करी है वो करी है 80,000 की और 50,000 रुपीज की, ठीक है। इसके बाद कहते हैं कि इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वो होगा 3:2 होने वाला है, ठीक है। तो 3:2 यहां पर क्या होगा, इनका प्रॉफिट बटेगा, ठीक। इसके बाद कहते हैं कि भाई एग्रीमेंट करा था इन्होंने, पार्टनरशिप डीड भी बनाई है। तो पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड दैट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शैल बी अलाउड 9% पर एनम। तो इन्हें जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा ना वो कितना मिलेगा, 9% पर एनम मिलेगा, ठीक है। चलो ये भी हमें पता चल गया। इसके बाद कहते हैं कि ड्यूरिंग द ईयर द फर्म एंड अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 7,800। तो यहाँ पे जो कंपनी को प्रॉफिट हुआ है पूरे साल में हुआ है 7,800 रुपए का। अब क्वेश्चन में क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है भाई शो योर कैलकुलेशन क्लियरली एंड प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ जय एंड विजय फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को फटाफट करना शुरू करते हैं और स्टार्ट करते हैं इसे कैलकुलेशन पार्ट से, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारे पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो फटाफट से देखते हैं, आपने भी क्या करा होगा, आपके पास भी आपने पार्टनर्स जो है हमारे, जो कि कौन कौन है, जय और विजय, आपने इनकी कैपिटल लिखी होगी पहले 80,000 और उसे मल्टीप्लाई करा होगा 9% से, है ना। फिर दूसरे पार्टनर की कैपिटल लिखी होगी 50,000 और उसे भी आपने मल्टीप्लाई करा होगा 9% से, यानी 9/100। ऐसा करने पर आपके पास जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा वो आएगा 7,200 और ये आएगा हमारे पास 4,500, राइट। लेकिन आप जब बुक में देखोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो वो तो ये गिवन नहीं है, वहां तो कुछ और वैल्यूज गिवन है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, है ना। तो ये कैसे आया यही मैं आपको यहाँ पे सिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो मेरे साथ समझो जरा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। जब भी हमारे पास क्या होता है, रिम्यूनरेशन, पार्टनर के रिम्यूनरेशन कंपनी के प्रॉफिट से ज्यादा हो जाता है, ठीक है। यानी कि आप देखो पहले प्रॉफिट कितना है, यहाँ पे इस क्वेश्चन में प्रॉफिट था हमारे पास 7,800, तो आप क्या करो 7,800 लिखो पहले, ठीक है। 7,800 का प्रॉफिट है, ठीक है, हमने लिखा प्रॉफिट। पार्टनर को जो फायदा मिल रहा है, एक तो फायदा प्रॉफिट का मिलना चाहिए, ये प्रॉफिट पार्टनर को जाएगा। इसके अलावा पार्टनर को क्या मिल रहा है भाई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है, एक बार 7,200 एक बार 4,500, टोटल कितना आएगा इसका, टोटल आएगा भाई 11,700 रुपए। अब आप देखो कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो क्या है, रिम्यूनरेशन है। रिम्यूनरेशन क्या होता है, पार्टनर्स को मिलने वाले फायदे, जैसे कि क्या क्या होते हैं फायदे, यहां पर मैं रिम्यूनरेशन की कैटेगरी लिख देता हूँ क्या क्या चीज इसमें आती है, ठीक है। यहाँ पे आता है हमारे पास रिम्यूनरेशन में सैलरी हो सकता है, आज तो आप जो क्वेश्चन कर रहे हो उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, सैलरी भी हो सकता है, ठीक है। सैलरी के अलावा यहाँ पर हो सकता है आपके पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अलावा भी यहाँ पर आपके पास हो सकता है पार्टनर की कमीशन, ठीक है। बस तो जब भी आपको ध्यान रखना है, कंपनी को प्रॉफिट हुआ है लेकिन पार्टनर की सैलरी कंपनी के प्रॉफिट से भी ज्यादा है, या कंपनी के जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है पार्टनर का, है ना, वो प्रॉफिट से भी ज्यादा है, या कमीशन पार्टनर का जो है वो प्रॉफिट से भी ज्यादा हो गया। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, जो भी हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है या सैलरी है उसको हम क्या करते हैं, रेशियो में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या निकला है, यहाँ पे 7,200 रुपीज क्या निकली है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकला है जय का, और 4,500 निकला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विजय का, है ना। अब हमारा ये पता चला हमें कि हम ये जो रिम्यूनरेशन है यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये कंपनी के पार्टनर के प्रॉफिट से भी ज्यादा है। तो ऐसे में इन्हीं का हम क्या करेंगे, रेशियो बनाएंगे, ठीक है। तो यहां से क्या करेंगे, इन्हें कट करेंगे, जैसे आप इसे कट करोगे तो ये रेशियो में कन्वर्ट होगा, यहाँ पे आएगा 8, यहाँ पे आएगा 5, ठीक है। तो ऐसा करने में आपके पास रेशियो आ गए 8:5। तो भाई सिंपल सा रूल ये है, जब भी कंपनी को अगर प्रॉफिट हुआ हो और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या पार्टनर की सैलरी या पार्टनर का कमीशन प्रॉफिट से भी ज्यादा हो, तो ऐसे में उस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी को हम रेशियो में कन्वर्ट करेंगे पार्टनर्स की, और उसको किस रेशियो में बांटेंगे, उस प्रॉफिट को रेशियो में बांटेंगे ये वाले, ठीक है, जो भी हमारे पास रेशियो अब निकलेगा, 3:2 में नहीं बांटेंगे, ठीक है। तो अभी इसे प्रैक्टिकली यहां पर एप्रोप्रिएशन अकाउंट में करके देखते हैं फटाफट से। चलो अभी हम शुरू करते हैं इसे करना,
तो बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे यहाँ पे बाय प्रॉफिट, जो कि कंपनी में प्रॉफिट कितने का हुआ है, वो हुआ था हमारा 7800 रुपीज का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें पे करना है हमारे पार्टनर्स को, तो हम देखेंगे 2IOC, एक है हमारे पास जय और एक है विजय, ठीक है। बस अब हमें क्या करना है, जो हमारे पास 7800 रुपीज है यहाँ पे, ठीक है, 7800 रुपीज है, इसे हम क्या करेंगे 8:5 में बांट देंगे हमारे जय और विजय को, ठीक है। तो जो कि कितना होने वाला है हमारे पास, ये होगा 8/13 और 5/13। अब इसे क्या करते हैं, फटाफट से सॉल्व कर देते हैं। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहां पर हमारे पास क्या आएगा, इसे पूरा सॉल्व करने पर हमारे पास 4800 आएगा, इसे सॉल्व करने पर हमारे पास 3000 आएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है अब वो कितना बटेगा, वो ये बटेगा इन दोनों पार्टनर में। हमने इससे पहले क्या निकाला था, अमाउंट 7200 निकाला था और यहां पर हमारे पास निकला था 4500। ये नहीं बटेगा, ध्यान रखना, ये वाले जो है हमारे पास ये नहीं बटेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, जब भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कंपनी के प्रॉफिट से भी ज्यादा हो जाए, तो ऐसे में जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया है उसे आप रेशियो में कन्वर्ट करो और फिर जो कंपनी का प्रॉफिट हुआ है उसे आप इस रेशियो में बांट दो। जैसे हमारे पास जो रेशियो निकला था वो निकला था 8:5, ठीक है, इनको कट करने पे निकला था, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, कौन सी साइड ग्रेटर है, ये वाली ग्रेटर है, तो 7800 को हमें क्या करना है, इस रेशियो में बांट देना है। तो यहाँ पे लेंगे 7800 और 7800 को हमने किस रेशियो में बांटा, हमने बांटा 8:5 में, तो यहाँ पे आएगा 4800, ठीक है, और फिर आएगा हमारे पास 3000, तो ये पूरा बट गया हमारे पास 7800, ठीक है। तो बस इस तरह से हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन का इक्वेशन होना था। होप करता हूं आपको समझ में आएगा, समझ में आएगा तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, उन्हें बताओ कि यहां पर मिलते हैं आपको टीएस अग्रवाल के सॉल्यूशन और अकाउंट्स के अलावा इकोनॉमिक्स और बिजनेस के भी क्या मिलते हैं, स्टडी नोट्स मिलते हैं शॉर्ट्स के थ्रू। चलो फिर मिलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में।